नीमतदौला क्षेत्र के राकेश नगर में धर्मवीर उर्फ बाबू वांटेड नाम के युवक की हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ गोद कर हत्या कर दी। सूचना पर सीओ छत्ता भारी पुलिस फोर्स व फील्ड यूनिट को साथ लेकर मौके पर पहुंच गई। सरेआम युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या की सूचना मिलते ही एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली। घटनास्थल पर काफी खून भी बिखरा पड़ा हुआ था। दहशत के कारण कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। युवक की हत्या होने की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। जानकारी करने पर पता चला कि मृतक युवक क्षेत्र में बाबू वांटेड के रूप में शातिर किस्म का अपराधी था, जो कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटकर आया था, जिस पर थाना नीमतदौला में दो गंभीर मुकदमे भी दर्ज थे। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने मर्डर का शीघ्र खुलासा करने के लिए तत्काल 3 टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया। क्या नाम है भैया आपका? भूपिंदर है सर। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पे? सर यहाँ पे चाकू से मेरा भाई गोद दिया गया है। क्या वजह रही है ये? सर टाइम तो पता नहीं है मुझे, 7:30-8 बजे की टाइम है। भाई को पकड़ा गया था यहाँ से रोड पे से, ये 4-5 लोग थे। कौन लोग थे? महेंद्र था और एक खचेरा था और 2-3 लोगों के नाम नहीं पता है सर, क्योंकि इनको पहले भी हादसा कर चुके हैं ये लोग और इन्होंने किया है। अच्छा, फिर ये घटना करके फरार हो गए? बिल्कुल, फरार, घर छोड़ के भाग गई है। अच्छा, क्या आपका भाई क्या करता था? मेरा भाई मकान तोड़ने का काम करते हैं सर, ठेका लेते हैं और चोरी की दुकान है घर पे, वहीं पे टाइम पास करते हैं और कोई काम नहीं होता है। तो थाना नीमतदौला क्षेत्र का राकेश नगर ये मोहल्ला है, जहां इस गली में एक दो आपसी विवाद में एक ही जाति के अनुसूचित जाति के एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के धर्मवीर नामक युवक के एक चाकू मार दिया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। मौके पर यहाँ खून भी पड़ा हुआ है और उसमें उनके भाई से मेरी बात हुई है, मृतक के भाई से। उनके द्वारा बताया गया है कि ये 3 लोगों द्वारा ये चाकू मारे गए हैं, जिन्हें नामजद उन्होंने बताया नाम बताया है और ये पास के ही रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इनका भाई पहले 2 मामलों में जेल गया था और उसे और आज कुछ मामूली कहा सुनी हुई थी और उस जब वो सामान लेने जा रहा था तब उसके चाकू मारे गए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और बॉडी को यहाँ से मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचनामा भरकर कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त घर दबिश दी जा रही है, 3 टीमें बनाई गई हैं, अभियुक्त घर से फरार है, बहुत जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। किसी को उठाया भी गया है पूछताछ के लिए? देखिए, अभी इस संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पुलिस कर रही है और बहुत जल्दी अभियुक्त गिरफ्तार भी होंगे और जेल जाएंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।